निर्भया के गुनहगारों को कल सुबह फांसी होगी या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल निर्भया के एक दोषी पवन कुमार ने फांसी से 3 दिन पहले यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की है। इसके साथ ही चारों दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति जानने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को निर्देश देने की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस पर भी आज सुनवाई हो सकती है। पवन कुमार ही एकमात्र दोषी है जिसके पास अभी कुछ कानूनी विकल्प बचे हुए हैं। इसमें क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका शामिल है। आपको बता दें कि निर्भया के दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए तीसरी बार डेथ वारंट जारी किया गया है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 बार डेथ वारंट जारी किया था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोनों बार डेथ वारंट कैंसिल कर दिया गया था। तीसरे डेथ वारंट के अनुसार निर्भया के चारों दोषियों को 3 मार्च यानी कि कल सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल देश और दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए।